हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस को ही इसी वीडियो में डिस्कस कर ले, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। सबसे पहले बी पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में आपसे क्या कहा है, एक लाइन है एल जो इस पॉइंट से पास कर रही है एंड, तो बस यहीं तक के लिए पहले हम जो भी करना है वो कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है उसकी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, y माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी। यहां पर एक्स वन वाई वन जेड वन जो दिख रहे हैं इक्वेशन में वो पॉइंट है जिससे पास कर रही है लाइन, और ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियो से। तो क्योंकि लाइन इससे पास कर रही है तो इसकी इक्वेशन हो जानी है एक्स प्लस वन ओवर ए इक्वल टू वाई माइनस थ्री ओवर बी इक्वल टू जेड प्लस टू ओवर सी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो एक कहानी हो गई। अब आगे आपसे एक आए कि जो लाइन एल इस पॉइंट से पास कर रही है और जिसकी इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी है, ये जो लाइन है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। ये दो लाइंस दिख रही है, इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए वन बी वन सी वन हो और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए टू बी टू सी टू हो, तो ऐसे केस में इन डायरेक्शन रेशियोज को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करके करते हैं हम, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू और रख देते हैं इक्वल टू जीरो। कब करते हैं ऐसा, जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब अगर आपने ये क्वेश्चन देखा है तो ये जो लाइन L है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और यही लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब पहले इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर वाला जो केस अभी मैंने आपको बताया, ये वाला केस अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, कलर चेंज कर देता हूं पहले यहां पर। तो आप ये देखिए, इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और इसके हैं वन टू थ्री, तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई ए टू मल्टीप्लाई बी थ्री मल्टीप्लाई सी इक्वल टू जीरो प्रॉपरली लिखें। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही ये इसके साथ भी तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर है, तो ए बी और सी माइनस थ्री टू और फाइव, इन दोनों के बीच में भी तो एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या होगा वो आप देखेंगे, वो होगा माइनस थ्री ए प्लस टू मल्टीप्लाई बी प्लस फाइव मल्टीप्लाई सी इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर सॉल्व करना है ताकि हम ए बी सी निकाल सके। तो निकालने का तरीका आप ध्यान रखें, कैसे निकालेंगे हम यहां पर, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और सी, ऐसे लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम बी का कोफिशियंट लिखेंगे पहली इक्वेशन का, जो कि कितना है टू। यहां पर लिखेंगे सी का कोफिशियंट पहली इक्वेशन से, जो कि कितना है थ्री। यहां पर लिखेंगे हम ए का कोफिशियंट, जो कि पहली इक्वेशन में कितना है वन, और अगेन यहां पर लिखेंगे हम बी का कोफिशियंट जो कि पहली इक्वेशन में कितना है टू। यही हिसाब हम दूसरी इक्वेशन के लिए बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन में बी का कोफिशियंट टू है जो कि यहां आएगा, सी का कोफिशियंट फाइव है जो कि यहां आएगा, ए का कोफिशियंट माइनस थ्री है जो कि यहां आएगा, ए का कोफिशियंट टू है जो कि यहां पर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा ए और उसके नीचे लिखूंगा इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कितना होगा टेन, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया सिक्स इक्वल टू बी ओवर थ्री का माइनस थ्री से करो तो माइनस नाइन, माइनस फाइव का वन से करो तो ये फाइव आ गया, इक्वल टू सी ओवर वन को टू से करोगे तो टू आएगा, माइनस माइनस थ्री को इससे करोगे तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स, तो इसको हम प्लस लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए ओवर हमें यहां पर फोर मिलता है,
बी ओवर माइनस 14 मिल रहा है, सी ओवर 8 मिल रहा है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, तो ए ओवर 2, बी ओवर -7, सी ओवर 4। आप ये देखें हमें यहां से क्या मिल गया। वैसे तो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, इसको लैम्डा के इक्वल, किसी के भी इक्वल रख लो। एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे तो ए की वैल्यू 2 लैम्डा आ जाएगी, इसको इसके इक्वल रखोगे तो बी की वैल्यू -7 लैम्डा आएगी, और इसको इसके इक्वल रखोगे तो सी की वैल्यू 4 लैम्डा आ जाएगी। तो फाइनली ए बी सी मिल गया है हमें। अब वो ए बी सी यहां पर और यहां पर अब हम पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आया। तो x+1, y-3 और z+2 है। क्या है? x+1 = y-3 = z+2, यही है, चेक कर लेना आप भी। नीचे क्या आएगा? नीचे ए बी सी था तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 लैम्डा, यहां आ जाएगा -7 लैम्डा, यहां आ जाएगा 4 लैम्डा। लैम्डा सब में से कैंसिल कर दो तो x+1/2 आ गया, y-3/-7 आ गया, z+2/4 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली जो इक्वेशन है वो निकाल ली है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, लिखा था ना। अच्छा, यहां पर तो लिखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, हमने तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखी है। तो अब हम वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एक लाइन की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, जरा ध्यान दें। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्म होती है एक लाइन की, वेक्टर फॉर्म होती है। इसमें इस वेक्टर का मतलब है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, और इसका मतलब है जिसके पैरेलल है, और ये है हमारे पास जनरल जनरल पॉइंट है। ठीक हो गया? तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखें। आर वेक्टर का आर वेक्टर ही रहने दें, जो ये ए वेक्टर है इसकी जगह क्या लिखेंगे जरा ध्यान दें। ये दिख रहा है आपको, इनको 0 के इक्वल रखो तो आपको एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू मिलेगी। वैसे तो सिंपल सी बात है, इसमें नहीं भी देखो, लाइन जिस पॉइंट से पास करती है उसको ए वेक्टर की जगह लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर की जगह। तो क्या लिखेंगे जरा ध्यान दें, ये आएगा -1i कैप +3j कैप -2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, का मतलब है कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो यहां पर आएंगे। तो क्या है? 2 -7 4, तो ये हो जाएगा 2i कैप -7j कैप +4k कैप। तो देखिए हमने यहां पर वेक्टर इक्वेशन फॉर्म कर ली है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर इक्वेशन के लिए ही सॉल्व करते जाएं, हमें कार्टेशियन इक्वेशन ज्यादा आसान पड़ता है, तो हमने कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व किया। फाइनली हमने उसको वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, यहां पर और क्या कहा है? ऑब्टेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से इस लाइन तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आपसे कहा है कि ओरिजिन से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो मैं पहले इस लाइन को नीचे लिखूंगा, उसके बाद हम बात करते हैं। अब इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि हमारे पास ये रही ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ये रही, और ओरिजिन से ये रहा ओरिजिन पॉइंट, यहां से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो 10th क्लास में हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपको पहले ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, और ये पॉइंट कहां पर लाई करता है? इसी लाइन पे लाई करता है। अब ये पॉइंट कैसे मिलेगा? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, मैं इसको आर के इक्वल रख देता हूं। एक बार इसको इसके साथ रखोगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें 2r-1, एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी -7r+3, एक बार इसको इसके इक्वल रखोगे तो आपको z की वैल्यू मिलेगी 4r-3। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब फाइनली हमें ये वाला पॉइंट मिल गया है जो कि है 2r-1, -7r+3, 4r-3। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है, मैं एक बार वैसे दिखाता हूं आपको,
कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी है, और जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को कुछ इस तरीके से लिखकर हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज तो पता है, कहाँ 2 -7 4, लेकिन इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें नहीं पता है। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जब कोई लाइन, देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं, Z2 - Z1। तो ये हो गया तरीका डायरेक्शन रेशियो को निकालने का। तो अब मैं इस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, तो वो आएगा 2R - 1 - 0, -7R + 3 - 0, 4R - 3 - 0। तो ये आ जाएगा 2R - 1, -7R + 3, 4R - 3। तो मुझे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया है, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे यहां से मिलेंगे। तो इन दोनों के बीच में मैं ये वाला फॉर्मूला अब अप्लाई करूंगा, A1 A2 + B1 B2 वाला करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2R - 1 -7 × -7R + 3 और +4 × 4R - 3 = 0। सॉल्व करते हैं फटाफट, तो ये हो जाता हमारा 4R - 4, ये हो जाता है 49R - 21। फिर यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16R - 12 = 0। ये समझ में आ गया होगा, 4R, 49R और 16R इसको ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना है, यहां पर ये आपका 2 है, ठीक है, यहां पर 2 है आपका, ये करेक्शन करना था। और नीचे आते हैं, नीचे भी एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, जल्दी से देख लेते हैं। यहां तो आपका 2 है और यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, और यहां पर ये 8 होगा, ठीक है। तो ये करेक्शन कर दिया है। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो R की वैल्यू यहां से आ रही है 31/69, आप खुद चेक कर लेंगे। अब ये R की वैल्यू सारी की सारी कहां पर पुट करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट था ना, ये पॉइंट, ये इसमें पुट करेंगे बारी बारी से। तो ये हमने R की वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई कर दिया फटाफट से, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हुई है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपको क्वेश्चन में कहा था कि ओरिजिन से इन पॉइंट्स तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा आपके पास, सबसे पहला पॉइंट है -7/69 -0² फिर आपके पास होगा -10/69 -0² फिर होगा -14/69 -0². अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 49/69² आ जाएगा, ये 100/69² आ जाएगा, ये 196/69² आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को अगर मैं ऐड करता हूं और 69² का स्क्वायर रूट करता हूं, नीचे तो 69 आ जाएगा, आप 196, 100 और 49 को ऐड करते तो शायद ये 345 आ रहा, आप भी एक बार चेक करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 345/69 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो इसका ए पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।